أعوذ بالله من الشيطان اللين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسول ربنا بالحق الصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيدي أسلم ما في الوجود سر الله في كل موجود نقطة دائرة الوجود صاحب لواء الحمد والمقام المحمود مولا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين والقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين عليه الصلاة والسلام بسم الله الرحمن الرحيم إنا آتيناك الكوثر فصل لربك وانحر إنا شانئك هو الأبتر نعرہ صلوات ज़ानी मोहतरम अभी तक आप दो मजालिस इसी आयत पर इसी सूरे पर समात फरमा चुके हैं और हमने भी अपना सरनामा कलाम सूरह कौसर को अंजाम दिया। मेरी गुजारिश अपनी बात को दरमियान में रोक कर मैं इन ख़वातीन से कह रही हूँ, बराए करम दस बस्ता गुजारिश है कि आप ज़्यारत खामोशी से कर लें या वक्फ़ा होगा तो फिर, क्योंकि सबको इजाज़त होगी जितना भी ज़्यारत करना है, बीबी को बोसा देना है ताबूत को, वो आप कर लीजिएगा, लेकिन इस वक्त मजलिस इंटरप्ट हो जाएगी अगर दरमियान में ये शोर गुलरा सलवात पढ़ दें एक मरतबा। ऐज़ान मोहतरम कुरान करीम का बहुत ही मशहूर व मारूफ सूरह सूरह कौसर, आप सब वाकिफ़ हैं, मुझे बताने की ज़रूरत तो है नहीं, क्योंकि ये वो सूरा है कि जिसको शहज़ादी कौनैन की शान में नाजिल किया। अभी शहज़ादी की विलादत नहीं हुई थी और सरवरे अंबिया के दो बेटे वफात पा चुके हैं। अब क्योंकि सरवरे अंबिया के दो बेटे दुनिया में नहीं हैं और वो जो मुआशरा है ना, तो वो सारी बात मेंटलिटी की होती है, ज़हनियत की होती है। जैसे मुआशरे की ज़हनियत होगी वैसा वो किसी भी अमल को लेगा। अब उस माशरे ने देखा कि कोई औलाद नहीं है और ये पैगाम दीन लोगों तक पहुंचा रहे हैं, तो अब क्यों ना कोई लकब इनके साथ में जोड़ दिया जाए। तो अरब के लोगों ने सरवरे अंबिया को अबतर कहना शुरू कर दिया। यानी हमें अपनी ज़बान से वो लफ्ज़ निकालना बहुत ही ज़्यादा नागवार लगता है कि लोगों का मतलब था कि रसूल को कह रहे हैं कि नस्ल बुरीदा। अब ये बात जब लोगों ने रसूल अल्लाह की शान में कही, हमारे रसूल कोई आम आदमी नहीं, हमारी तरह नहीं है कि अगर कोई हमें एक कहे तो हम पलट कर तीन कहें। हमारा रसूल वो है जो दिल में भी ख्याल नहीं लेकर आता, खुल्क अजीम के मालिक है ना, तो वो दिल में भी ख्याल नहीं किया, लेकिन अल्लाह तो देख रहा है, वो कभी भी किसी के साथ होने वाला जुल्म बर्दाश्त नहीं कर सकता, वो आदिल हकीकी है। तो उसने जैसे ही लोगों के इन जुमलों को सुना तो एक मरतबा माबूद ने आयत नाजिल की, इन्ना आतायना कल कौसर, ऐ मेरे रसूल हमने आपको कौसर अता किया, हमने आपको कौसर अता किया, फसल्ली रब्बी का वनगर, सबको इसका तर्जुमा मालूम है कि आप नमाज़ पढ़ें और अल्लाह की राह में कुर्बानी दें।
कुर्बानी तो आपको भी मालूम है कि कुर्बानियाँ किस तरह से दी जाती हैं, लेकिन हमारे रसूल ने तो बहुत ही अजीम कुर्बानी दी कि सैयदा के बेटे को बचाने के लिए रसूल ने अपना एक बेटा कुर्बान किया। और हर तरह की कुर्बानी रसूल ने वैसे भी दी राह इस्लाम में, राह खुदा में। तो कहा कि आप कुर्बानी दें और नमाज़ पढ़ें, और उसके बाद कहा इन्ना शानिया का होल अबतर, ऐ मेरे रसूल बेशक आपका दुश्मन ही नस्ल बुरीदा है। आपको हमने कौसर अता कर दिया, यानी नस्ल कसीर अता कर दी, नस्ल कसीर ऐसी नस्ल कसीर की जो कयामत तक ख़त्म नहीं हो सकती, कयामत तक ये नस्ल चलेगी। और आज आप दावे के साथ कह सकते हैं कि आज भी फातिमा का बेटा पर्दा गैबत में है और कयामत आ नहीं सकती जब तक वो आज आपके दरमियान ना आ जाए। सलावात बर मोहम्मद व आले मोहम्मद। कौसर अल्लाह ने देने का वादा किया और अल्लाह ने दिया, लेकिन दुश्मन को अबतर अल्लाह कह रहा है कि बेशक आपका दुश्मन जो है ना वो नस्ल बुरीदा है। कहने वाले कौन थे? उतबा, शेबा, अबू जहल कह रहे हैं अबतर। अबू जहल के दो जवान बेटों को निगाहों के सामने भेड़िया खा गया, निगाहों के सामने जवान बेटों को भेड़िया खा गया। बाप को समझ में नहीं आया क्या था, कहने लगा नहीं नहीं ये भेड़िया नहीं था, ये जो रसूल को हमने अबतर कहा था ना और सूरह कौसर नाजिल हुआ तो ये अबतर था कि जो मेरे बेटों को नस्ल मेरी ख़त्म कर गया, मेरी नस्ल कता हो गई, ये अल्लाह का जवाब था जो उस जानिब से आया। वो अल्लाह को नहीं मानते, वो तो तमाम बुतों की पूजा करने वाले हैं ना, लेकिन फिर भी समझ रहा है कि हाँ कुछ तो है जो मोहम्मद पैगाम पहुँचा रहे हैं, कुछ तो है जो पहुँचाया जा रहा है। अब यहाँ पर देखिए ये सूरह जो है एक इनफरादियत रखता है, यानी सूरह कौसर कुरान में यूनिक है। क्यों? क्योंकि जो अल्फाज इस सूरह कौसर में इस्तेमाल हुए ना वो किसी और सूरह में नहीं इस्तेमाल हुए। लफ्ज़ कौसर कुरान करीम में 114 सूरे हैं, 6666 आयात हैं, लेकिन लफ्ज़ कौसर सिर्फ एक मरतबा आया है, सिर्फ एक मरतबा, कहीं और नहीं आया। क्यों है ऐसा, क्या वजह है? क्योंकि अल्लाह को फातिमा की शिरकत पसंद नहीं थी। अल्लाह ने फातिमा को मुनफरिद बनाया था, ना उसका दुनिया में कोई शरीक है ना कोई उसका आखिरत में शरीक होगा, लेकिन फातिमा वो हैं कि अगर अल्लाह उनकी शान में सूरा भी नाजिल करे ना तो उसमें किसी को शरीक ना बनाए, उसकी आयात भी मुनफरिद बना दें, उसके अल्फाज भी मुनफरिद बना दें, और तमाम मुनफरिद बनाने के बाद दुनिया को पैगाम पहुँचा दें कि देखो फातिमा को किसी और का शरीक ना बनाना, वो हमेशा मुनफरिद थी और रहेंगी। सलावात पर मोहम्मद वाले। कौसर शहजादी की शान में नाजिल हुआ, लेकिन इसकी शान नुजूल एक और भी है, वो भी बयान करती हुई चलूं कि जब अरब को तो आप जानते हैं वो अपने आप को तो कहते हैं पढ़ा लिखा, और पूरी दुनिया को कहते थे अजम, यानी सब गूंगे, बस हम ही बोलते हैं, हमारे पास ही इल्म है, हमारे पास ही फन है और किसी के पास कुछ नहीं। तो अब उन लोगों के दरमियान क्योंकि फसाहत और बलागत के चर्चे थे और अपने सामने किसी को मानते नहीं थे, बड़ी शायरी की जाती थी, बड़े बड़े अशार लिखे जाते थे, बड़े बहुत बेहतरीन शुआरा वहाँ थे, काबिले तारीफ़ हैं, रसूल जालूत की शायरी है, बहुत से ऐसे हैं, लेकिन वो शायरी कोई मतलब तो नहीं रखती कि जो खुदा या अहले बैत अतहार या फिर आइमाए ताकरीन या अम्बिया से हटकर की जाए, वो नहीं है, उसका शायरी का कोई मकसद ही नहीं है। शायरी वही कामयाब कि जो इनके दरवाज़े पर आ जाए, जो हकीकी हो जाए, मजाजी ना हो, जो हकीकी हो जाए। तो वहाँ शायरी की जाती थी और बहुत चर्चे थे, हम तो बहुत फसाहत और बलागत रखने वाले। तो उन लोगों के दरमियान जब ये मुआशरा था और वो लोग थे तो कह रहे थे नहीं हमसे अच्छा कोई बोलता है नहीं, तो अल्लाह ने कुरान को नाजिल किया कि मौजज़ा है कुरान, उन लोगों के दरमियान भेजा कि जो अपने से ज़्यादा किसी को नहीं समझते। तो अब जब दावे हो रहे थे और लोग कह रहे थे कि ये रसूल की शायरी है, तो अल्लाह ने कहा ठीक है ऐसा करें क्या मेरे रसूल आप इन तक पैगाम पहुँचाएँ कि किसी बड़े सूरे का नहीं,
कुरान के सबसे मुख्तसर सूरे का ये जवाब लेकर आ जाए, सूरह कौसर का जवाब लेकर आ जाए। सबसे मुख्तसर सूरह है ना, तीन आयतों पर, यानी इन्ना आता है ना कल कौसर, फसल ले रब्बे का वन है, इन्ना शानिया का हुआ अब तक, कितना छोटा सा है, बच्चा भी सबसे पहले इसी को याद करता है। और इसकी एक शान ये भी है ना कि इस सूरे में सारे आयात जो हैं वो बहर में हैं, शायरी के हिसाब से बहर में लगती हैं, और काफ़िए से काफ़िया मिला हुआ इस तरह से है, इस अंदाज़ से है कि लगे कि कोई शेर, लेकिन अल्लाह शायरी नहीं कर रहा है यहाँ पर। तो अल्लाह ने कहा इसका जवाब ले आए, रसूलल्लाह ने हुक्म दिया या अली आप सूरह कौसर को लिखें, यानी यदुल्लाह ने कलामुल्लाह को लिखा और लिखने के बाद बैतुल्लाह की तरफ लेकर चले, और यदुल्लाह से बैतुल्लाह में उस जगह पर उसको लगा दिया, नसब कर दिया कि जहाँ सामने की जानब, उनके साथ नहीं, सामने की जानब, तमाम अरब के जो बड़े बड़े शुआरा थे उनके कलाम लगे हुए थे, तो उनके साथ में नहीं लगा, ये तो कुरान की तौहीन हो जाती, ये तो सूरह कौसर की तौहीन हो जाती, और ये गवारा नहीं थी। कहाँ वो तमाम दुनिया वालों के कहे हुए अशार हैं, कहाँ ये अल्लाह का कलाम है जिसकी कोई मिसाल ही नहीं मिल सकती। तो सामने की जानब सूरह कौसर को नसब कर दिया, और नसब करने के बाद एक मरतबा लोगों ने देखना शुरू किया कि ये कोई सूरह आया है, और कहा गया कि इसका जवाब लिखो। अब लिखें तो क्या लिखें, बड़े बड़े शुआरा को बुलाया गया, कहा आओ जवाब लिखें, सूरह कौसर का जवाब लिखना है, ये एक सूरह आया है इसका जवाब लिखना है। लोग आए, इकट्ठा हुए, कलम आए, दवात आई, और कागज़ करतास लाने के बाद एक मरतबा बैठे के कुछ लिखें, समझना शुरू किया, पढ़ना शुरू किया, लेकिन दिमाग की स्लेट पे कुछ आया ही नहीं, सब कुछ साफ हो चुका है, कुछ नहीं समझ में आ रहा कि हम इसका मतलब निकालें तो क्या निकालें। आज इंसान कह रहा है हसबुना किताबुल्लाह, हमारे लिए किताब काफ़ी है, आज तक किसी के लिए किताब काफ़ी नहीं हुई। किताब को समझने के लिए मुअल्लिम से समझना पड़ेगा, किताब को समझने के लिए रसूल और आले रसूल से समझना पड़ेगा। तो यहाँ इनको समझ में नहीं आया कि क्या लिखें, हर एक ने कोशिश कर ली लेकिन कोई जवाब ना लिख सका, आजिज आ गए, कहा हम तो लिख नहीं सकते। एक शायर था जिसका नाम था शाह शीन एन शीन एन, कहा उनके पास ले जाओ वो ज़रूर लिख देंगे। और इनका कमाल ये था कि ये पूरे साल किसी से गुफ्तगू नहीं करते थे, हम कलाम नहीं होते थे, क्यों, इनका मानना ये था कि मेरी फसाहत और बलागत ख़त्म हो जाएगी अगर आम लोगों से बोलूँ, यानी आम लोगों से बोलेंगे तो फसाहत बलागत ख़त्म, ये मान कर ये किसी से नहीं बोलते हैं। बस दिन में एक बार शाम के वक्त घर से चहलकदमी के लिए निकलते थे, तो जिसको अपना कलाम पेश करना होता था कलाम पेश कर दिया। इन्होंने देखा, और ये भी एक उसूल था कि एक नज़र के बाद किसी के कलाम पे कभी दूसरी नज़र नहीं डालते थे, दूसरी नज़र डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, बस देखा और उसको जो तसही करनी होती थी, जो सही करना होता था वो सब लिख दिया, और जो अगला थी उसको अंडरलाइन कर दिया, और अगर किसी चीज़ की तशरीह करनी है तो उसकी तशरीह कर दी, और बस इतना करते थे। लोगों ने कहा उनके पास ले जाओ, चहलकदमी का वक्त हुआ, लोग लेकर चले उनके पास पहुँचे, और जाकर कहा कि ये कलाम है और इसका आपको जवाब लिखना है। इन्होंने एक मरतबा देखा, देखा तो अपने कॉन्फिडेंस में देखा कि नहीं हम तो दूसरी नज़र देखते ही नहीं है, कॉन्फिडेंस के साथ देखा, देखने के बाद कुछ समझ में नहीं आया कि क्या लिखना है, फिर देखा उसूल टूट गया, फिर देखा लेकिन समझ में नहीं आया कि क्या लिखना है, फिर तीसरी मरतबा फिर देखा कि अब लिखें लेकिन समझ में नहीं आया कि क्या लिखना है, ये इसकी तशरीह तो नहीं कर सके लेकिन इस आयत में अपनी जानिब से एक जुमला ज़रूर जोड़ दिया। इन्होंने कहा मा हाजा कलामुल बशर, ये बशर का कलाम नहीं, ये तो मा फौकुल बशर का कलाम है। सलावात पर मोहम्मद व आले मोहम्मद। कहा ये बशर का कलाम नहीं है। मैं अक्सर दिमाग में सोचती थी कि आखिर रसूलल्लाह ने सूरह कौसर को ही क्यों चुना, परवरदिगार ने सूरह कौसर को ही क्यों चुना कि उन लोगों के दरमियान भेजा जाए। यहाँ तो बहुत बड़े बड़े उनके मतबूआत लगी हुई थी, किसी भी बड़े सूरह को भेज देता, सबसे बड़ा सूरह सूरह अलबक्र, लेकिन उसको भी नहीं भेजा परवरदिगार ने, सूरह आले इमरान है उसको भेज देता, किसी सूरह को नहीं भेजा। और अगर लोगों को किस्सा कहानियों से बड़ा मुनासिबत हुआ करती है, और बहुत बेहतरीन किस्सा कुरान में मौजूद है जनाब यूसुफ़ का, सूरह यूसुफ़ वो भेज देता, वो भी नहीं भेजा। अल्लाह ने सूरह कौसर ही क्यों चुना? एक तो आप अक्सर सुनते हैं और अभी भी आपने पिछली मजलिस में सुना कि अल्लाह ने कभी भी बड़ी चीज़ का जवाब छोटी चीज़ से ही दिया, हमेशा छोटी चीज़ से। वहाँ बड़ी बड़ी मतबूआत लगी हुई थी, लोग बड़ा नाच कर रहे थे, इतने इतने शेर, 100-100 शेर, 150-150 शेर, अल्लाह ने तीन आयतों पर मुश्तमिल सूरा भेज के बताया कि देखो वो तो 100-150 सूरे हैं, 100-150 अशार हैं, इस छोटे से सूरे का जवाब लेकर आ जाओ तो हम मान जाएं।
नहीं लिख सके। और दूसरी बात क्या थी, अब जो कोई सूरह कौसर को देखेगा ना वो पढ़ेगा कि आखिर इसमें लिखा क्या है, और जब लिखा होगा ना तो दुश्मन अपनी जबान से कहेगा इन्ना शानिया का होल अबतर, ए मेरे रसूल बेशक तुम्हारा दुश्मन अबतर है, तुम्हें हमने कौसर अता किया, सलावत पर मुहम्मद व आले मुहम्मद। तो शहजादी की शान में इस सूरे को नाजिल किया गया। बीबी सूरे कौसर का मिज़दाक है, ये वो शहजादी हैं कि जिनको सूरे कौसर का मिज़दाक बनाया गया। अभी तक लोग कह रहे थे रसूल की नस्ल ही नहीं है, रसूल के बेटा ही नहीं है, और वो अरब के लोग कि जो बेटी को जिंदा दफन कर देते हैं उनकी नज़र में बेटी की कोई अहमियत ही नहीं। तो अल्लाह ने कहा हम बेटी से ही नस्ल चला के बताएंगे, नस्ल चलेगी हमारे रसूल की क़यामत तक रहेगी, दुश्मन ख़त्म, लेकिन नस्ल बेटी से चलेगी। कमाल तो यही है ना परवरदिगार का, बेटी से नस्ल चलाकर बताया। और देखिए खालिक कायनात की हर काम जो ना होता है सिस्टमेटिक तरीके से होता है, कोई भी काम ऐसा नहीं हो सकता आधा अधूरा। लोगों ने बड़ा प्रोपेगेंडा किया कि बेटी से नस्ल नहीं चल सकती, बेटी से नस्ल नहीं चल सकती। अब्बासी खलीफाओं का दौर था, कहना शुरू किया नहीं बेटी से कैसी नस्ल चल सकती है, जो हम हैं वो आले मोहम्मद हैं, जो हम हैं वो ये हैं। नहीं नहीं, रसूल की रसालत से इमामत इनको नहीं मिली, हमें खिलाफत मिली है हाशमी होने के नाते से, ये भी हाशमी हम भी हाशमी। तो यहां इनको बड़ा गुरूर था इस चीज पर। तो अल्लाह ने देखिए आखिरी बेटे को फातिमा के पर्दे गैबत में रखा, और एक पैगंबर को बनी इसराइल के अल्लाह ने अर्श पर बुला लिया। सबको मालूम है, मुझे बताने की जरूरत तो नहीं, हजरत ईसा को। और बुलाने के बाद अल्लाह ने इस तरह से, आपको भी मालूम है मुझे भी मालूम है कि जब इमाम का जहूर होगा इंशाअल्लाह तो हज़रत ईसा आएंगे, फिर पानी होगा, यानी दुनिया का एक उसूल टूटेगा, पानी पर तो कोई खड़ा भी नहीं हो सकता, वहाँ पानी पर मुसल्ला बिछेगा, और हज़रत ईसा पीछे होंगे, जहरा का बेटा आगे होगा, एक तरफ मरियम का बेटा एक तरफ जहरा का बेटा, मरियम भी मुकद्दस फातिमा भी मुकद्दस, मरियम भी बतूल फातिमा भी बतूल, मरियम भी इमरान जैसे नबी की बेटी, फातिमा खातिमुल अंबिया की बेटी। अब यहाँ आगे फातिमा का बेटा होगा, अल्लाह ने मनसब दिखाया ना फातिमा का, अल्लाह ने मनसब दिखाया इमामत का, अल्लाह ने मनसब दिखाया बतूल का, कि देखिए आगे फातिमा का बेटा होगा, पीछे नबी होकर मरियम का बेटा होगा। अब अगर दुनिया में किसी ने सवाल कर लिया ना कि आखिर ये इन पे इमामत आई कैसे, क्योंकि बेटियों से नस्लें नहीं चला करती, तो पहले आगे बढ़कर हजरत ईसा कहेंगे अरे हम भी तो इमरान के नवासे हैं, जब हम तक इमामत हम तक नबूवत आ सकती है तो इन तक इमामत आ सकती है, सलावत पर मोहम्मद व आले मुहम्मद। अल्लाह ने बताया कि देखिए फातिमा का मनसब क्या है, आगे फातिमा का बेटा होगा, पीछे मरियम का बेटा होगा। फातिमा का किसी से कोई तकाबुल नहीं है, ये सैयदतुन्निसाइल आलमीन हैं, तमाम ख़वातीन की सरदार हैं। अब उनमें चाहे हवा हों, चाहे आसिया हों, चाहे मरियम हों, चाहे सारा हों, इन तमाम ख़वातीन की सरदार फातिमा हैं। और हमारे लिए यही बात सबसे बड़े फ़ख्र की बात है कि हम उसके मानने वाले हैं, उसके चाहने वाले हैं, उसकी कनीज़ें हैं, कि जिसके पैगम्बरों की माएँ भी मुकाबला नहीं कर सकती, वो भी उस शहज़ादी के मद्दे मुकाबल नहीं आ सकती, हम उसके चाहने वाले हैं। फिर भी अक्सर हम शिकवा कर देते हैं हमें ख़वातीन क्यों बनाया, मौला ने हमें ही औरत क्यों बनाया, परवरदिगार हम ही क्यों।
ख़ासतौर पर मेरी छोटी बहन है ना, जब मसला पर्दे का आता है, हिजाब का आता है, तो दिल में ये ख्याल ज़रूर आता है हम ख़वातीन क्यों बने, सारी ज़िम्मेदारियाँ हमारे ऊपर, क्योंकि ख़वातीन के ऊपर ज़िम्मेदारियाँ होती हैं, मर्दों के ऊपर बाहर की ज़िम्मेदारियाँ, ख़वातीन के ऊपर घर की ज़िम्मेदारियाँ, वो बाहर के मालिक या घर की मलका, अल्लाह ने हिसाब सबके लिए बराबर रखा है, वहाँ नाइंसाफ़ी नहीं होती, वहाँ सबके लिए इंसाफ है। लेकिन हमें तो फ़ख्र करना चाहिए, हम सैयदतुन्निसाए आलमीन के चाहने वाले, उसके चाहने वाले हैं कि अगर सामने से आए तो अल्लाह का रसूल, जिस पर किसी का एहतराम लाजिम नहीं, वो अपनी जगह से खड़ा होकर फातिमा का एहतराम करे, वो फातिमा, हम उनके चाहने वाले होकर ही सोच लें कि हम क्यों करें। और पर्दे की रही बात कि अगर हम ये सोचें कि हमें पर्दा में क्यों रखा गया, हमें हिजाब में क्यों रखा गया, या हम हिजाब क्यों करें, तो आप इतना जान लीजिए अल्लाह ने यूँ ही नहीं औरत को हिजाब करने की हुक्म दिया, अल्लाह ने यूँ ही नहीं आपके लिए हिजाब वाजिब रखा। क्यों रखा अल्लाह ने हिजाब वाजिब? अल्लाह ने जिस चीज़ को अहमियत दी उसको पर्दे में रखा, जिस चीज़ को अहमियत दी। देखिए आप अगर गौर करें ना, तो मैं आपको बताती हूँ, दुनिया में हज़ारों करोड़ों घर हैं, सबके घर हैं, आपका घर है, मेरा घर है, सबके घर हैं, लेकिन आप किसी को फ़ोटो दिखाएंगी तो वो कहेगा नहीं हम नहीं जानते कौन सी जगह है, हमें नहीं पता किसका घर है। लेकिन दुनिया में एक ही घर है जिसको हर कोई देख लेता है और पहचान जाता है, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, मजूसी हो, किसी भी कौम, किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाला हो, खुदा के घर का फ़ोटो दिखाइए, वो देखने के साथ कहेगा कि नहीं ये तो खाने काबा है जो अल्लाह का घर है जो मक्का में है। क्यों? अल्लाह ने उसको पर्दे में छुपा कर उसकी अहमियत को बढ़ा दिया। अब उसकी अहमियत इतनी है कि दुनिया की हर कौम पहचानती है, हर कौम जानती है कि हाँ ये अल्लाह का घर है, इसको जानते हैं दुनिया में हज़ारों किताबें, आपके ही घर में न जाने कितनी किताबें होंगी, लाइब्रेरीज होती हैं, उनमें किताबें होती हैं, लेकिन कोई किताब है दुनिया में कि जिसको पर्दे में रखा गया हो, कि जिसको गिलाफ में रखने की हुक्म दिया गया हो, जुज़दान में रखने का हुक्म दिया गया हो? नहीं नहीं, वो तो अल्लाह का कलाम है कि जिसको जुज़दान में रखना है बड़े एहतराम के साथ, बड़ी इज्जत के साथ। क्यों पर्दे में क्यों रखा? अल्लाह ने अपनी किताब की अहमियत बताई कि देखो मेरी किताब की अहमियत यह है कि उसको ऐसे ही ना रख देना, उसको हमेशा जुज़दान में रखना, पर्दे में रखा। फिर सारे गादी आए, सारे गादी आए, सब पैगंबर आए, लेकिन किसी को पर्दा गैबत में नहीं छुपाया। एक हादी ऐसा है कि जो आखिर में आना है, जो अदल व इंसाफ लेकर आएगा, जो दुनिया को अदल व इंसाफ से भर देगा, जहां सबके लिए अदल होगा, जहां सबके लिए सिर्फ मोहब्बतें होंगी, नफ़रतें ख़त्म हो जाएंगी, शैतान का फितना ख़त्म, सब कुछ ख़त्म। और उस आखिरी हादी को अल्लाह ने पर्दे में रख कर उसकी अहमियत बता दी। फिर अल्लाह ने ख़वातीन को पर्दे में रखा। क्यों? आप ये ना सोचें कि आप कमतर हैं, अल्लाह ने आपकी अज़मत को कम कर दिया पर्दे में रख कर, नहीं, क्योंकि आपको अल्लाह ने अज़मत दी है पर्दे में रख कर। अल्लाह अज़मत ही उसको देता है जिसको पर्दे में रखता है। और देख लीजिए, इतना मैं बता दूं कि आपके घर में शीशा भी होता होगा और कहीं कहीं हीरे भी होते हैं। शीशे को तो कहीं भी डाल दीजिए, दुनिया देखती है, गुजर जाती है, कोई अहमियत नहीं होती, कोई वैल्यू नहीं होती, कोई गौर भी नहीं करता कि ये है क्या। लेकिन अगर कहीं कोई किसी के पास हीरा होता है ना, तो मखमल के कपड़े में छुपा कर उसको रखा जाता है। क्यों? क्योंकि ये उसकी अहमियत है, ये उसकी इनफरादियत है कि उसको मखमल में छुपा कर रखा जाता है। तो अब आपके ऊपर है कि आपको हीरा बनना है कि शीशा बनना है। सलावात पर मोहम्मद वाले मोहम्मद, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप शीशा बनना चाहती हैं जो यहाँ वहाँ पड़ा रहे, या हीरा बनना चाहती हैं कि जिसको देखने के लिए लोग तरसें, जिसको देखने के लिए बड़े एहतमाम किए जाएं। और हमें जो सीरत मिली है ना, हमें जो सुन्नत मिली है, वो फातिमा जहरा की मिली है। हम किसी आम बंदी की कनीज़ें नहीं हैं, हम उसकी कनीज़ हैं जो अल्लाह की कनीज़ ख़ास। तो उसकी सीरत यह है कि हम हिजाब करें, उसकी सीरत यह है कि हम मुकम्मल पर्दे में रहें, उसकी सीरत यह है कि अगर वो शहज़ादी ने तो अपनी ज़िंदगी का हर पहलू आपके लिए कोई ना कोई पैगाम छोड़ा है, अगर वो बेटी हैं तो वो लाजवाब बेटी हैं। हर औरत की ज़िंदगी में कुछ पहलू आते हैं, उनमें एक वो बेटी होती है, एक दौर ऐसा होता है कि वो अपने माँ बाप की बेटी है,
जहाँ पर उसकी अहमियत, उसकी इनफरादियत बहुत ज़्यादा होती है। उसके बाद उसकी शादी होती है और शौहर के घर में जाती है, तो उस घर की वो मालिका होती है, अपने शौहर के घर की वो मालिका होती है, पूरे घर का उमूर, तमाम काम उसके हाथ में होते हैं। उसके बाद अगर वो माँ बन जाती है ना, तो देखिए तमाम कौमें होती हैं, लेकिन जो इस्लाम में ख़वातीन को दर्जा दिया गया है ना, तो वो बेहतरीन है, क्योंकि अगर कोई बेटी है तो वो अपने बाप के लिए रहमत है, अगर कोई जौजा है तो वो अपने शौहर के निस्ब ईमान की मालिक है, अगर कोई जौजा कोई माँ है तो देखिए उसके कदमों के नीचे जन्नत है औलाद की। और फातिमा वो माँ, वो बेटी, वो जौजा हैं कि जो हर महाज पर लाजवाब हैं। अगर वो बेटी हैं तो रहमतुल आलमीन के लिए रहमत बनकर आई हैं कि उनके बाबा को कहना पड़े फातिमा तुम उम्मे अबीहा हो। इससे मैसेज दिया शहजादी ने कि देखो ऐसी बेटी बनो कि बाप को अपनी माँ की याद आ जाए। हर दुनिया का उनका हर एक लम्हा ना पैगाम है हमारे लिए, हर एक लम्हा पैगाम है। अगर हम उनकी सीरत पर अमल करें तो यकीनन हमारी ज़िंदगियां जन्नत हो जाएं, हमारे घर जन्नत हो जाएं, क्योंकि एक खातून के ऊपर एक घर को बनाना और बिगाड़ना सब कुछ एक खातून के ऊपर होता है। वो अगर चाहे तो बना दे, वो अगर चाहे तो बिगाड़ दे, उसी से जन्नत भी बनती है घर में, उसी से जहन्नुम भी बनता है घर में। तो शहज़ादी अगर बेटी हैं तो ऐसी बेटी कि जिनको बाप कहे कि फातिमा तुम हमारी माँ की तरह लगती हो, हमें माँ की याद आ जाती है, उम्मे अबीहा हो, तुम अपने बाप की माँ हो। और अगर जौजा हैं तो अली को कहना पड़े फातिमा ने मेरे घर को मुकम्मल कर दिया, फातिमा ने मेरे घर को जन्नत बना दिया। अली जैसा शौहर इस जुमले को कहे ना तो बहुत बड़ी बात है। और उसके बाद अगर माँ हो तो हसनैन जैसे बेटों की माँ हो कि जो खुद जवाना ने जन्नत के सरदार हैं, उनकी जन्नत फातिमा के कदमों के नीचे। सलावात पर मोहम्मद व आले मोहम्मद। ऐसी शहज़ादी के चाहने वाले हैं हम। और शहज़ादी ने हमें हर जगह पर सीरत दी है। अगर बेटी हैं तो उन्होंने सीरत दी कि देखो बाप की किस तरह से खिदमत करनी है, कि अगर बाप मैदान जंग में भी बीमार हो जाए तो बेटी जाए, बाप के लिए मरहम बनाए, बाप को उस तरह से खिदमत करे कि बाप कहें उम्मे अबीहा। और अगर जौजा हो तो किस तरह से हो कि जौजियत के लिए ज़रूरी होता है कि शौहर और जौजा के दरमियान अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, सवाल जवाब ना हो, वहाँ शिकवे शिकायतें ना हों। यहाँ शहज़ादी कैसी जौजा हैं कि जब मौलाए कायनात फतेह खैबर करके आए तो लोगों के सामान आ रहे थे ऊँटों पर लद लद कर माल गनीमत लोग लेकर आए। और मौला फतेह खैबर तो एक मरतबा शहज़ादी ने पूछा या अबुल हसन आप तो फतेह खैबर हैं, आपकी तलवार के सदक़े में तो लोगों को खैबर फतह हुआ है, इनको माल गनीमत मिला है, लोग माल लेकर आ रहे हैं, लाद लाद कर लेकर आ रहे हैं, आपका माल कहाँ है? तो आपने कहा फातिमा हमने तमाम माल जो हमें मिला था, जो हमारा हिस्सा था, हमने बेवाओं में यतीम में तकसीम कर दिया, बेसहारा लोगों में तकसीम कर दिया। अगर आज की औरत होती ना, आज की औरत होती तो लड़ जाती, कहती तुमने दिया कैसे, मेरा हक था, मेरे बच्चों का हक था, हम फाके से हैं, मेरे बच्चे फाके से हैं, घर में गुर्बत है, उसके बावजूद आप गरीबों को देकर आ गए। लेकिन नहीं, वो फातिमा हैं, उनकी सीरत पर हमें अमल करना है। शहजादी ने फौरन मुसल्ले पर पहुंची, अपने सर को सजदे में रखा, कहा परवरदिगार तेरा शुक्र कि तूने हमें ऐसा शौहर दिया कि जो पूरी तरह से मुकम्मल है। सलावात पर मोहम्मद व आले मोहम्मद। मैंने वक्त में ज़्यादा गुंजाइश नहीं है तो ज़रा जल्दी जल्दी बयान करती चलूं कि शहज़ादी ने उसके बाद अगर वो माँ हैं तो कैसी माँ है। बीवी ने अपने औलाद की जो तरबियत की है ना, वो इस तरह से की है कि हसनैन जैसे बेटे, ज़ैनब उम्मे कुलसूम जैसी बेटियाँ, और इस शान से तरबियत की है। देखिए वो शान क्या है शहज़ादी की, बहुत बार का सुना हुआ वाक़या। दोनों शहज़ादे मस्जिद में पहुँचे और मस्जिद में एक साहब वज़ू कर रहे थे जो बहुत बड़े इस्लाम के जानी मानी हस्ती थे, और वज़ू का तरीका गलत था, और शहज़ादों ने देखने के बाद नोटिस किया। और उसके बाद एक मरतबा अगर कोई दुनिया का बच्चा होता ना, थोड़ा सा इल्म होता, फ़ौरन कहता आपका वज़ू करने का तरीका गलत है। लेकिन ये फातिमा की तरबियत का असर है,
ये फातिमा की तरबियत है। दोनों शहजादे कहते हैं नाना हम दोनों भाइयों में वुजू के तरीके को लेकर इख्तलाफ है, हम चाहते हैं कि आप दोनों का वुजू देखें और बताएं कौन सही कर रहा है। पहले इमाम हसन आगे बढ़े वुजू किया, जो सही तरीका है उस तरीके से वुजू किया, फिर इमाम हुसैन आगे बढ़े वुजू किया जो सही तरीका था उससे वुजू किया, और उसके बाद एक मरतबा दोनों का वुजू देखा और देखने के बाद सहाबी रसूल आगे बढ़कर दोनों बच्चों को गले से लगाया और कहा बच्चों वुजू तुम्हारा ठीक है हमारा गलत है, लेकिन तुम्हारा तबलीग करने का अंदाज इतना निराला है कि देखो जाने कुर्बान हो जाएं। ये फातिमा के बच्चे, क्या पैगाम बीबी ने दिया कि देखो जिंदगी के हर पहलू पर शहजादी ने हमें कुछ ना कुछ दिया हो। हद ये है कि हम आज शहजादी का यौम शहादत मना रहे हैं, तो शहादत में भी पैगाम दिया, बीबी की शहादत भी हमारे लिए एक पैगाम है। दामन वक्त में गुंजाइश नहीं है, मेरा दिल है कि मैं और पढ़ूं, लेकिन मैं पढ़ नहीं सकती, मुझे एहसास है कि आप लोगों को कितनी तकलीफ है। शहजादी पैगाम क्या दे रही है अपनी शहादत में, जब शहादत का वक्त था ना तो मौलाए कायनात से एक वसीयत की थी, या अली हम चाहते हैं आप हमारा जनाजा शब में उठाएं। ये पैगाम है उम्मत की ख्वातीन के लिए कि जो इतनी पर्दादार, जिसके पर्दे का ये आलम है कि वो रात में भी अपने जनाजे का साया भी लोगों पर पड़ने नहीं देना चाहती, वो बीबी हमें पैगाम दे रही है। फिर भी अगर हम हिजाब ना करें तो लानत है हम पर, फिर भी अगर हम बीबी की सीरत पर अमल ना करें तो हमसे ज़्यादा बदकिस्मत कोई नहीं, हमसे ज़्यादा बदकिस्मत कोई नहीं। वो शहज़ादी हमें अपनी ज़िंदगी के एक एक लम्हे में उसने पैगाम दिया, चाहे वो मुबाहला का मौका हो, चाहे आए तथहीर का नुज़ूल हो, चाहे अपने हक़ लेने के लिए जाना। बीबी ने बताया कि देखो क्या ज़रूरत थी, शहज़ादी को लोग कहते हैं क्या ज़रूरत थी बीबी को फ़िदक के लिए वहाँ तक गई, बीबी ने फ़िदक का मुतालबा किया, हसनैन के सदक़े में माफ़ कर देती, बीबी को ज़रूरत नहीं थी, बीबी को कोई हाजत नहीं थी। बीबी अगर इतनी तमन्नाई होती ना फिदक की तो शहज़ादी अपने शौहर को हुक्म देती कि जंग करिए, और मौला, क्योंकि शहज़ादी और मौला के बीच में जो अंडरस्टैंडिंग है ना उसको आप नहीं समझ सकते, हम नहीं समझ सकते, मौला जंग करते फिदक छीन लेते। फातह खैबर के लिए क्या मुश्किल था, वहाँ तो चाहने वाले भी थे, सलमान थे, अबूज़र थे, मकदाद थे, कंबर थे, सभी चाहने वाले थे, कुछ लोग मिल जाते और मौला तो अकेले फाते। लेकिन नहीं, मौला ने तलवार नहीं निकाली, फिदक उन लोगों के हवाले हो गया। जब एक आलिम दीन से पूछा गया ना कि ये बताइए कि ये बीबी ने फिदक का मुतालबा क्यों किया, बीबी ना करती और वो फिदक दे देते, क्या ज़रूरत थी उनको अपने लिए इतने लानतें कमाने की। तो उन्होंने कहा सुनो, सिर्फ मामला फिदक का नहीं था, सिर्फ मामला फिदक का नहीं था, अगर मामला सिर्फ फिदक का होता ना तो वो फिदक दे देते। का एक तालिब इल्म बैठा हुआ पढ़ा है, उन्होंने एक मिसाल दी, कहा एक तालिब इल्म पढ़ रहा है और उस्ताद पढ़ा रहा है, उस्ताद ने कहा का अलिफ, तालिब इल्म बिल्कुल खामोश है नहीं बोल रहा, उस्ताद ने फिर कहा का अलिफ, नहीं कहा अलिफ, फिर कहा का अलिफ, फिर भी नहीं कहता अलिफ, उसने एक तमाचा मारा, कहा का अलिफ, वो नहीं बोला अलिफ, उसने उसको उसके हाल पर छोड़ दिया। बच्चे से पूछा किसी ने, कहा तुम्हें अलिफ नहीं आता, कहा हमें अलिफ भी आता है, बे भी आता है, ते भी आता है, सब कुछ आता है, लेकिन ईए तक सब कुछ नहीं आता। अगर हम कह देते ना अलिफ तो ये हमें मारता हुआ ये तक लेकर आता और सब कुछ कहलवा लेता, मारता मारता तमाचे मारता मारता ये तक लेकर आता। हमने कहा अलिफ ही नहीं कहेंगे तो फिर ये आगे बढ़ेगा ही नहीं। यहाँ पर फौरन कहा सुनो, उस मामले का जो अलिफ था ना वो था फिदक, और जो ईए थे वो थे विलायत मौलाए कायनात, वो थी खिलाफत। अगर वो फिदक दे देते तो खिलाफत छोड़नी पड़ती, इसलिए उन्होंने कहा हम फिदक ही नहीं देंगे, नहीं दिया। और बीबी ने बता दिया कि हक क्या है बातिल क्या, हक को बातिल के लिए शहजादी ने उस वक्त खामोश रहना गवारा नहीं किया। बीबी आई और अपनी चाहने वालियों को, अपनी कनीज़ों को ये पैगाम दिया कि देखो सब्र करो, बहुत सब्र करो, बीबी से ज़्यादा सब्र कोई नहीं कर सकता। बीबी ने ज़िंदगी के एक एक लम्हे में सब्र किया है, लेकिन जहाँ बात हक और बातिल की आ जाए तो वहाँ बातिल के सामने सर न झुकाना।
हक के लिए कम से कम एक आवाज़ तो बुलंद करनी चाहिए, और वो शहजादी ने की। कितनी मुश्किल से की वो आप भी जानते हैं, मैं भी जानती हूँ। किस तरह परेशानियाँ बर्दाश्त करके की वो आप भी जानते हैं, मैं भी जानती हूँ। क्योंकि फ़ातिमा की मुसीबत कम नहीं है, फ़ातिमा की परेशानियाँ कम नहीं हैं। जो दुनिया का एक कायदा होता है, अगर कोई बाप दुनिया से जा रहा होता है ना, तो वो अपने यतीम बच्चों के लिए चाहने वालों से वसीयत करता है, रिश्तेदारों से, अकरबा से, दोस्तों से, कहता है हमारे बाद हमारे बच्चे का ख्याल रखना, हमारे बाद हमारे बच्चों का ख्याल रखना। और दुनिया रखती है, कमज़र्फ से कमज़र्फ इंसान भी किसी यतीम के साथ सितम करना नहीं चाहता। रसूल दुनिया से जा रहे थे, जितने सहाबी थे सबको इकट्ठा किया, कहा फ़ातिमा मेरा पारा है, फ़ातिमा मेरी आँखों की रोशनी है। देखो फ़ातिमा को परेशान ना करना, कोई फ़ातिमा को जहमत ना देना, कोई फ़ातिमा को तकलीफ़ ना देना मेरे बाद, क्योंकि अगर फ़ातिमा गज़बनाक होंगी तो मैं गज़बनाक होऊंगा, अगर मैं गज़बनाक होऊंगा अल्लाह गज़बनाक होगा। फ़ातिमा का गुस्सा खुदा का गुस्सा है, फ़ातिमा की रज़ा खुदा की रज़ा है, इनको तंग ना करना। दुनिया समझती रही, सुनती रही, आखिर इतनी वसीयतें क्यों, आखिर सब संभाल लेते रसूल की बेटी को, लेकिन रसूल आगे के मंज़र देख रहे हैं। रसूल को मालूम है इधर मेरी आँखें बंद होंगी, इधर उम्मत निगाहें फेर लेगी, कभी दरवाज़ा जलाया जाएगा, कभी फातिमा के शौहर की गर्दन में रसन बांधी जाएगी, गलियों में फिराया जाएगा, बैत ली जाएगी, कभी फिदक के लिए बुलाया जाएगा, मेरी तहरीर फाड़ी जाएगी, कभी फातिमा के रोने पर पाबंदियाँ होंगी, और मेरी बेटी ये सब बर्दाश्त ना कर सकेगी। कितना सताया फ़ातिमा को, कितने मजालिम शहज़ादी पर हुए हैं हम अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। जिसके इधर बाबा के शहादत हुई है, इधर बाबा की आंखें बंद हुई हैं, तो औलाद को तो काफ़ी दिन तक, बेटियों को खुसूसन काफ़ी दिन तक होश भी नहीं रहता। बाप के मरने के बाद बाप इतना शफीक होता है, बाप की जो वालिदैन की नेमत होती है ना, उससे बढ़कर कोई नेमत नहीं होती दुनिया में। और अगर किसी के वालिदैन, खुदा ना करे, खुदा ना करे, परवरदिगार सबके वालिदैन को सही और सलामत रखें, हिफाजत के साथ रखें, शिफा के साथ रखें। अगर किसी के वालिद दुनिया से चले जाए ना, तो औलाद बाप का गम भूल नहीं पाती। यहाँ तो फातिमा का बाप था जो रसूल, और इधर बाप की आंखें बंद हुई, इधर उम्मत ने निगाहें फेरना शुरू की। तीसरा दिन था, शहजादी के दरवाजे पे आग लगा दी गई, वो ताजियाना मारा गया, कि जिसके बाद फातिमा ने कहा बाबा जब से मेरा मोहसिन शहीद हुआ है मैं दाएं हाथ से तस्बीह नहीं पढ़ सकती। उस तरह से सताया गया, मोहसिन शहीद हो गए शहजादी के शिकम में। शहजादी ने कितने मजालिम बर्दाश्त किए हैं, दीवारों दर के दरमियान में आ गई, जलता हुआ दरवाज़ा गिर गया, बर्दाश्त कर रही, सब्र नहीं हो पा रहा। एक मतलब एक आवाज़ बुलंद की थी जब बेटा शहीद हुआ है, तो कहा था फिजा मेरा मोहसिन शहीद हो चुका, मदद के लिए आओ। और उम्मत दरवाजे से गुजरती रही, फातिमा तड़पती रही, किसी ने बढ़कर ये ना पूछा कि है रसूल की बेटी क्या तकलीफ की शिद्दत ज़्यादा है। नहीं नहीं, ताजियाने बरसाए गए, मौलाए कायनात की गर्दन में रसन बांधी गई, खींचते हुए लेकर जाया गया। और जब मौलाए कायनात को लेकर चले ना, बीबी को होश आया तो एक मतलब सवाल किया, फिजा अबुल हसन है ना अबुल हसन का, बीबी अबुल हसन की गर्दन में रसन बांध कर ले जाया गया। तो एक मरतबा रेदा संभाली, खवातीन ने पर्दा किया, चारों तरफ हिसार करके चली। और जब शहजादी चली ना, तो एक मरतबा कहा कि ऐ लोगों, मैं कब्र रसूल का रुख कर रही हूँ, और अगर मैंने अपने बाबा की कब्र पर जाकर गिरिया किया ना, तो तुम्हें भी मालूम है कि क़यामत आ जाएगी, खुदा का वास्ता अबुल हसन को छोड़ दो। लेकिन मौला की गर्दन में रस्सी बांधे हुए दरबार तक ले जाया गया, मौला से जबरन बैत ली गई। और बैत लेने के बाद शहजादी तड़पती रही, बैत ले ली, खिलाफत गसब कर ली। और ये वो मौका था कि शहजादी से सब्र नहीं हुआ, उम्मत ने इतने जुल्म ढाए हैं, इतने जुल्म ढाए हैं कि 90 दिन की हयात है रसूल अल्लाह के बाद, कुल 90 दिन, और कुछ रिवायतों के मुताबिक तो 75 दिन। और वो दिन इतने हो गए कि शहजादी को मरसिए में कहना पड़ा, सुब्बत अलैया मसाइबुल्लाह नहा, सुब्बत अलैया में सन्ना ले लिया, कि बाबा आपके बाद इतने मसाइब ढाए गए कि अगर दिनों पर पड़ते तो वो तारीख रातों में तब्दील हो जाते, ऐ बाबा अगर ये मसाइब पहाड़ों पर पड़ते तो वो रेजा रेजा हो जाते जितने फातिमा ने बर्दाश्त किए हैं। कितना रोई गई 90 अय्याम के दरमियान शहजादी, हम अंदाज़ा भी लगा सकते। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम की हदीस है, मौला फरमाते हैं, किसी ने पूछा कि मौला दुनिया में सबसे ज्यादा रोने वाले कौन हैं, कहा पहले सबसे ज्यादा रोने वाले जनाबे आदम। कहा कितना रोए, कहा 4000 बरस।
काफिर का जनाब याकूब बेटी की जुदाई में 40 बरस, काफिर का जनाब यूसुफ कैद खाने में कहा कितनी मुद्दत का 10 बरस का, और का फिर मेरी जद्दा फातिमा जहरा सबसे ज़्यादा रोने वाली, सबसे ज़्यादा गिरिया करने वाली, कहा वो आप कितना रोएंगे, लेकिन बीबी की मुद्दत तो बहुत कम है, कहा अपने बाबा की शहादत से अपनी शहादत तक 90 दिन, कहा मौला मुद्दत तो बहुत कम गए, कहा यहाँ मुद्दत को ना देखो, यहाँ शिद्दत को देखो कि कितनी शिद्दत से गिरिया किया गया, किसने 90 दिन में इतना गिरिया किया हो, सोचिए कि उस पर मजालिम के कितने पहाड़ टूटे होंगे, पहले दरवाज़ा जलाया गया, बेटे की शहादत बर्दाश्त कर ली, और उसके बाद मजालिम ये हुए कि फिदक पे जो खुदाम लगे हुए थे उनको हटा दिया गया, कहा अब हट जाओ हमारा यहाँ कब्जा गए, बीबी यहाँ घर से चली, कहा या अबुल हसन हमारे खादिम आ गए हैं, उनको हटा दिया गया है, मैं अब खामोश न रहूँगी, फिदक के अपना हक लेने के लिए बीबी दरबार में गई, और उस दरबार में गई कि जो उन लोगों का था कि जो सहाबी रसूल थे, जब बीबी चली थी ना तो इस तरह से चली थी कि साथ में कनीज़े हलका किए हुए, दरमियान में शहजादी चली, और चलते हुए जब दरबार में पहुंची लोगों ने कहा कि बिनते रसूल आई हैं, पर्दा डाल दिया गया लेकिन मसनद नहीं दी गई, 7 घंटे शहजादी खड़ी रही, पहलू शिकस्ता, बेटे की शहादत हो चुकी है, जख्म पर जख्म बर्दाश्त कर चुकी हैं, 7 घंटे खड़ी रही, तहरीर जुटला दी गई, सामने तहरीर को जुटला दिया गया, बीबी ने गवाही के लिए बेटों को पेश किया, शौहर को पेश किया, हर एक गवाही को जुटला दिया गया, अरे अब जो फातिमा पलटी है ना तो इस आलम में पलटी है, सर के बाल सफेद, कमर झुकी हुई, घर में आई पहले बेटों के चेहरे देखे, अब बेटियों का चेहरा देखा, एक मरतबा फातिमा के सामने कोई मंजर आया होगा, तड़प कर आगे बढ़ी, ज़ैनब उम्मे कुलसूम को सीने से लगाया, एक मरतबा रोना शुरू किया, ये मंजर देखा ना, बेटी बड़ी समझदार है फातिमा की, कहती है अम्मा अम्मा क्या दरबार में हक नहीं मिला, अम्मा क्यों रो रही हैं, हक नहीं मिला, कहा ज़ैनब हम इसलिए नहीं रो रहे हैं कि हमें हक नहीं मिला, मेरे लाल हम इस चीज़ के लिए रो रहे हैं कि आज हम दरबार गए, हमने दरबार के हालात देखे, कल आप दरबार जाएंगी लेकिन फ़र्क इतना होगा, ये सहाबी का दरबार था, फातिमा की बेटी वो शराबी का दरबार होगा, फ़र्क इतना होगा, हम रिदा में गए थे, कनीजों के हलके में गए थे, ऐ ज़ैनब आपके सर पे रिदा ना होगी, हाथ पसे पुश्त बंदे होंगे, दयार बदयार फिराया जाए, अला लानतुल्लाह परवरदिगार तुझे वास्ता हक़ ज़हरा का इन आवाज़ों पर अपनी रहमत नाज़िल फरमा, परवरदिगार तमाम अहले बैत अतहार के चाहने वालों को, तमाम शियान हैदर करार को जहाँ जहाँ भी हैं उनको अपनी रहमत के साए में रख, शहज़ादी की रहमत के साए में रख, परवरदिगार हमें कोई गम न दे सिवाय गम हुसैन का, परवरदिगार तुझे शहज़ादी के शिकस्ता पहलू का वास्ता हमारे इमाम के ज़ुहूर में ताजील फरमा, परवरदिगार तुझे वास्ता अहले बैत अतहार का हमें इस गम को करने की ज़्यादा से ज़्यादा तौफीक अता फरमा, परवरदिगार जितनी भी बीबियाँ इस मजलिस में मौजूद हैं बहक़ पंजतन पाक उनकी तमाम जायज़ हाजात को पूरा फरमा, परवरदिगार जो बे औलाद हैं शहज़ादे अली असगर के सदक़े में उनको औलाद अता फरमा, परवरदिगार तुझे वास्ता शहज़ादे अली अकबर का हमारी कौम के जवानों को सलामत रख और उनको नासिराने मेहदी होने का शरफ बख्श, परवरदिगार तुझे वास्ता शहज़ादी सकीना का कोई बच्ची यतीम ना हो जैसे शहज़ादी, परवरदिगार तुझे वास्ता अहले बैत अतहार का, तुझे वास्ता अहले बैत अतहार का कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा नेक तौफीकात करने की तौफीक अता फरमा, परवरदिगार हमारे मुकामात मुकद्दसा की हिफाजत फरमा, परवरदिगार हम सबको हज ज़ियारत करबला के इन सब ज़ियारत से मुशर्रफ़ फरमा, हम सबको अहले बैत अतहार के रोज़ों को देखने की ज़ियारत नसीब फरमा, परवरदिगार हम सब पर अपनी रहमत बनाए रख, परवरदिगार तुझे वास्ता इम्तिहान जनाब सज्जाद का दुनिया के हर इम्तिहान में हम सबको कामयाबी अता फरमा, परवरदिगार तुझे वास्ता बीमारी शहज़ादी सुगरा का जो बीमार है उनको शिफाए कामिला अता फरमा, अपना तकबल मिन्ना अन्नका अंतस्समीउल अलीम।